नमस्कार दोस्तों, क्या पबजी आजकल जैसे गेम आराम से खेलना चाहते हो, वो भी 12,000 के अंदर? सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन सा स्मार्टफोन खरीद सकते हो जिसे आप ऐसे ऐसे गेम खेल सकते हो वो भी 12,000 के अंदर। तो इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे जोर से दबा दीजिए। ओके, चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय, दिस इज दिव्यज्योति, यू वॉचिंग माय चैनल डीटेकी। लेट्स स्टार्ट। थर्ड नंबर पर जो स्मार्टफोन आता है वो आता है रियलमी कंपनी की तरफ से, रियलमी नार्जो 10। इसमें आपको 6.5 इंच का एक HD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहां पर आपको प्रोसेसर मिलेगा मीडियाटेक हेलियो G80। ये 12 नैनोमीटर फिनफेट प्रोसेसर पे बनाया गया एक चिपसेट है, जिसमें आपको दो हाई परफॉर्मेंस कोर मिलेगा, कोर्टेक्स A75 की CPU, जिसको क्लक किया गया है 2.0 GHz पे। इसमें आपको GPU मिलेगा माली G52 MC2 GPU, वो भी एक डिसेंट सा GPU है। ये जो प्रोसेसर है इस प्राइस पे बहुत ही पावरफुल है, इसमें आप पबजी आसपास जैसे गेम जबरदस्त खेल सकते हो, कुछ भी दिक्कत आने वाला नहीं है। इसके साथ आपको 4GB रैम एंड 128GB का स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिलेगा। कैमरा यहाँ पर 48+8+2+2 का कोर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। बैटरी यहाँ पर 5000mAh का दिया गया है। उसके साथ आपको 18W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। अगर आप 4GB रैम एंड 128GB स्टोरेज ऑप्शन फ्लिपकार्ट से खरीदते हो तो आपको ये पड़ जाएगा 11,999 पे, ये 12,000 के अंदर। ये 12,000 के अंदर बेस्ट ऑप्शन है, आप 12,000 के अंदर इसे आराम से खरीद सकते हो, इसमें पबजी अस्पल जैसे गेम आराम से चल जाएगा। सेकंड नंबर पर जो स्मार्टफोन आता है वो आता है वीवो कंपनी की तरफ से, वीवो U20। इसमें आपको 6.53 इंच का IPS LCD देखने को मिल जाएगा, स्क्रीन रेजोल्यूशन फुल HD+ की मिलेगी। प्रोसेसर यहाँ पर स्नैपड्रैगन 675 यूज किया गया, जो कि 11 नैनोमीटर फिनफेट प्रोसेसर पे बनाया गया एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, जिसमें आपको दो हाई परफॉर्मेंस कोर मिलेगी, कोर्टेक्स A76 की CPU, जिसको क्लक किया गया 2.0 GHz पे। इसके साथ आपको GPU मिलेगा Adreno 612, ये भी एक डिसेंट सा GPU है, इसमें आप पबजी आसपास जबरदस्त खेल सकते हो। इसमें आपको बहुत सारे रैम एंड स्टोरेज ऑप्शन मिल जाएंगे। कैमरा की बात करें तो रियर में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, 16+8+2 का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। बैटरी की बात करें तो 5000mAh का बैटरी दिया गया है, उसके साथ आपको 18W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। अगर आप 4GB 64GB का वेरिएंट फ्लिपकार्ट से खरीदते हो तो आपको 12,000 के अंदर ये मिल जाएगा। ये स्मार्टफोन 12,000 के अंदर का बेस्ट ऑप्शन है। इसमें जो प्रोसेसर यूज किया गया है स्नैपड्रैगन 675, इस प्राइस के अनुसार बहुत ही पावरफुल है। इसमें पबजी अस्पल जैसे गेम खेलने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप इसे ले सकते हो। पहले नंबर पर जो स्मार्टफोन आता है वो आता है Xiaomi की तरफ से, Xiaomi Redmi Note 7 Pro। इसमें आपको 6.3 इंच का एक IPS LCD देखने को मिलेगा, जिसमें आपको रेजोल्यूशन फुल HD+ की मिलेगी। इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। प्रोसेसर यहाँ पर स्नैपड्रैगन 675 यूज किया गया, जो एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है 11 नैनोमीटर फिनफेट पे बना हुआ, जिसमें आपको दो हाई परफॉर्मेंस कोर मिलेगा, कोर्टेक्स A76 की CPU, जिसको क्लक किया गया 2.0 GHz पे। इसके साथ आपको GPU Adreno 612 दिया गया, वो भी एक डिसेंट सा GPU है, इसमें आप पबजी आसपास आराम से खेल सकते हो। इसका 4GB 64GB का वेरिएंट फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। इसके बाद कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, 48MP + 5MP का। उसके बाद बैटरी की बात करें तो 4000mAh का बैटरी दिया गया, उसके साथ 18W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा। अगर आप 4GB 64GB का वेरिएंट फ्लिपकार्ट से खरीदते हो तो आपको 11,000 के अंदर ये मिल जाएगा। ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर आपको बेहतरीन डिजाइन भी मिल जाता है, इसके साथ प्रोसेसर भी बहुत ही बढ़िया मिल जाता है। माना कि थोड़ा पुराना है, पुराना हो तो क्या हुआ, अच्छा स्पेसिफिकेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो 11,000 के अंदर इसको आप ले सकते हो, बेस्ट ऑप्शन है। ये रहा वो बेस्ट स्मार्टफोन जो आप 12,000 के अंदर ले सकते हो गेमिंग करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप कौन सा स्मार्टफोन के लिए इंटरेस्टेड हो आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाँ कमेंट भी कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल पाए। ओके, चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।